उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी ने यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को यहां प्रचार करने के लिए पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमले किए। सीएम योगी ने कहा, उत्तराखंड का जनपद चंपावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, उत्तराखंड का जनपद चंपावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। जनता सांसद, विधायक, प्रधान आदि जन प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चंपावत के लोग इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है किया है, जो कहेंगे वह करेंगे। उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसलिए बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा जरूरी हैं। सीएम ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में कोविड टीकाकरण शुरू हुआ तो विपक्षी दलों ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि पहाड़ों पर हर गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन डबल इंजन की बीजेपी सरकार के साथ उत्तराखंड वासियों ने उन्हें करारा जवाब दिया। बता दें कि चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होगी, जबकि 3 जून को चुनाव का परिणाम आना है। इस चुनाव में बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।